हम मौजूद हैं पटना मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में, और आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि हम लोगों ने मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में कर्पूरी जयंती मनाने को लेकर प्रशासन को नवम्बर महीने में भी आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब ये ग्राउंड जेडीयू को आवंटन कर दिया गया है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के साथ रहकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। अगर ये मिलर हाई स्कूल ग्राउंड बीजेपी को आवंटन नहीं किया जाता है तो हम लोग जेडीयू कार्यालय और आरजेडी कार्यालय के सामने मनाने का काम करेंगे। साफ तौर पे सम्राट चौधरी ने अल्टीमेटम दिया है कि हम लोग जेडीयू और आरजेडी कार्यालय के सामने मनाने का काम करेंगे, अगर प्रशासन के द्वारा रोका जाएगा तो हम लोग लाठी और गोली भी खाने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं कि ये तस्वीरें देख सकते हैं पटना मिलर हाई स्कूल ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। ये ग्राउंड बीजेपी के द्वारा पहले से ही आवेदन दिया गया था, जिसको लेकर जेडीयू को ये ग्राउंड आवंटन कर दिया गया है, और जेडीयू के द्वारा टेंट पंडाल भी लगाया गया है, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ पटना से सचिन तिवारी की रिपोर्ट।